गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है ज्ञान एंड मी। दोस्तों, अभी हमने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज तैयार की है। दोस्तों, अभी हमने जियोग्राफी देख लिया है, हिस्ट्री देख लिया है, पॉलिटी देख लिया है और आज जो है हम इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। आपका कोई भी एग्जाम हो, इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए दोस्तों, और काफी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए, है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों, कौन सा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में? ठीक है दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों टर्शियरी सेक्टर एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी सेक्टर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे को कि जीडीपी क्या होती है दोस्तों, जीडीपी होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मार्केट वैल्यू है हमारी, जो भी हमारी फाइनल गुड्स है, सर्विसेज है, प्रोड्यूस हो रही है या सोल्ड हो रही है किसी स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम में बाय द कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, अब आएगा कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जीडीपी को कैलकुलेट करना हो तो जीडीपी जो है, सबसे पहले आप जो कंजप्शन हो रही है कंट्री में, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है और नेट एक्सपोर्ट। दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट होता है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो ज्यादा होता है हमारे इंपोर्ट से, तो हमारे नेट एक्सपोर्ट निकलेंगे। दोस्तों, ये हमेशा नेट एक्सपोर्ट ही नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कंट्रीज के ऊपर, कई बार इंपोर्ट भी ज्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो जीडीपी इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बॉर्डर। ठीक है, कि किसी भी कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो है आपका जो गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारी जीडीपी है दोस्तों। दोस्तों, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, उसे हम ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहते हैं, वो है हमारा कि जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बाय द एंटरप्राइजेस, मतलब कि जो हमारी कंपनीज है, ओन्ड बाय कंट्री सिटीजन। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है विद इन ए कंट्री, ठीक है, किसी भी, समझ लीजिए ये हमारी कंट्री है, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दोस्तों वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जिस भी एंटरप्राइजेस से, वो हमारी ओन होनी चाहिए बाय द कंट्री सिटीजन से। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही हमारे जो हमारे आउटसाइड ऑफ द जो भी कंट्री है, वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, वो ओन होना चाहिए बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा जीएनआई। दोस्तों, जीएनआई को यानी ग्रॉस नेशनल इनकम को अगर निकालना हो तो वो होती है हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो इनकम आपको रिसीव हो रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस जो है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस, दोस्तों माइनस है इनकम पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि जो आप इनकम को पे कर रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा याद रखिएगा आपको। दोस्तों, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द पीरियड ऑफ द प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज। ठीक है, कि प्लान हॉलीडे का पीरियड जो है इंडिया में कब आया था दोस्तों? ऑप्शन ए है 1962 टू 65, ऑप्शन बी है 1966 से 69, ऑप्शन सी है 1969-72 एंड द ऑप्शन डी है हमारा 1972 टू 75। दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा जो प्लान हॉलीडे है दोस्तों, ये हमारा 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। किससे? 5 ईयर प्लान। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो था 5 ईयर प्लान 1955 टू 56, उसके बाद था 56 टू 61 एंड देन था हमारा 61 टू 66। दोस्तों, आफ्टर 66 जो था वो हमारे 66 टू 67 हमारा सिंगल ईयर प्लान बना, उसके बाद फिर से हमारा सिंगल ईयर,
दोस्तों तो ये हमारा जो बीच में सिंगल ईयर यानी एक साल का ही प्लान बना रहे थे, तो ये था हमारा प्लान होलीडे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि कौन सी स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। दोस्तों हाईएस्ट डेंसिटी मतलब कि किसी स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज्यादा लोगों होना। ठीक है, जैसे वो एक स्क्वायर किलोमीटर में जो है कितने लोग जो है वहां पर रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों डेंसिटी। तो हमारा ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड द ऑप्शन डी है केरला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ONGC बाद सेटअप इन दोस्तों किस ईयर में सेटअप हुई है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ONGC जो है किस साल में सेटअप हुई है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है हमारी 1956, सेकंड है 1957, थर्ड है दोस्तों 1959 एंड फोर्थ है हमारी 1961। तो दोस्तों अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में हमें ONGC जो है वो सेटअप हुई है। दोस्तों ONGC के बारे में कुछ जान लेते हैं। ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या है दोस्तों, ONGC इज द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। दोस्तों ये हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब कि हमारी PSU है, सरकारी कंपनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी की ओनरशिप किसके पास है, इस कंपनी की ओनरशिप है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है हमारे देहरादून में। ठीक है, देहरादून कहां है दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये हम बता चुके हैं 1956 में, 14 अगस्त 1956 को फॉर्म्ड हुई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर जो है कंपनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 70% जो इंडिया का क्रूड ऑयल है ना, 70% इंडिया का क्रूड ऑयल जो है वो यही फॉर्म करती है, प्रोड्यूस करती है दोस्तों। ठीक है, और 84% ऑफ द नेचुरल गैस जो है वो भी ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है दोस्तों, 2010 में इसे महारत्न का टैग दिया गया दोस्तों। ठीक है, महारत्न का टैग दिया गया दोस्तों। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम नवरत्न महारत्न इन सभी को पढ़ेंगे दोस्तों। इन जो सर्वे है उसमें बताया गया कि ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग वाली कंपनी बनी थी 2019-20 में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका 25th रैंक आया था टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज में, जो कि बाय द प्लैट्स ने निकाली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, कि ये जो बताए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है वो है हमारी पर कैपिटा इनकम, जो हमारा ऑप्शन बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड द ऑप्शन सी है ग्रोस एनरोलमेंट रेट एंड द ऑप्शन डी है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों सबसे पहले तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है। ठीक है, ये जो निकालता कौन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसमें नहीं आता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को भी देखता है दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को भी देखेगा और ग्रोस एनरोलमेंट रेट को भी देखेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी आपने लिख दिया होगा। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमारा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको निकालता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये हर साल जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ये 1990 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों 2012 में
ये पब्लिश नहीं हो पाई थी। ठीक है दोस्तों, इस बार दोस्तों भारत की जो पोजीशन आई है वो 132 रैंक आई है। ठीक है, आउट ऑफ द 191 कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, स्कोर कितना था? 0.633 दोस्तों, 1 से स्कोर होता है। ठीक है दोस्तों, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो हमारी पर कैपिटल इनकम है दोस्तों उसको देखेगा, और जो आपकी स्कूलिंग एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसको देखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें हमारे को और क्या दिया है कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये 5 और रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है दोस्तों। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया दोस्तों, एक इनइक्वालिटी को करता है, इनइक्वालिटी जो कि एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखेगा, ये सारे जो है UNDP पब्लिश करता है दोस्तों। ठीक है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, जो हमारे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है दोस्तों, और हमारा पर कैपिटा इनकम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे याद रखेगा, डायमेंशन यहाँ हेल्दी लाइफ से लिया है, यहाँ नॉलेज से लिया है, और यहाँ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। दोस्तों कौन सा है व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो, किसने यहाँ पर किसको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है? दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीस कुरियन, एंड ऑप्शन सी KN बहाल, एंड द ऑप्शन डी BP पाल। दोस्तों तो मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन है इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों जो हमारे MS स्वामीनाथन है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, हरित क्रांति जो आई थी ठीक है उसके लिए हमारे जो है ये जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत में जो है खाने की समस्या को हल कर दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा दोस्तों इसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका RBI, ऑप्शन बी है IRDA, ऑप्शन सी है SEBI, ऑप्शन डी है NABARD। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है दोस्तों? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा रिजर्व बैंक, ये है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये है हमारा NABARD। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों SEBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि SEBI जो है वो एक स्टेटुएटरी बॉडी है। तो ये हमारी एस्टेब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1992। ठीक है, याद करिएगा, स्टेटुअरी मतलब दोस्तों एक्ट से बनाई गई बॉडी है ये। ठीक है, ये क्या करती है? ये मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है इंडिया के कैपिटल को और सिक्योरिटीज मार्केट को दोस्तों। ये प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय द रेगुलेशन एंड द गाइडलाइंस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका हेड ऑफिस पेपर में आ सकता है, तो इसका हेड ऑफिस जो है वो हमारे मुंबई में है। ठीक है, और ये हमारी कॉरपोरेट फ्रेमवर्क पे काम करती है, इसके अंदर जो है 20 डिपार्टमेंट है दोस्तों। दोस्तों अभी इसकी जो चेयरमैन है वो है हमारी माधाबी, माधाबी पुरी बुक। ठीक है दोस्तों, माधाबी पुरी बुक। ठीक है दोस्तों, कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट होती है ये एक सोर्स होता है जिससे हम फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, फॉर्म से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, ये जो मार्केट कंप्राइजेज सप्लायर्स एंड बायर्स ऑफ द फाइनेंस अलोंग विद द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, और ये एक रेगुलेटरी बॉडीज होती है दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी मार्केट्स। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। ठीक है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज आपको इन रेगुलेटरी बॉडीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये कैपिटल मार्केट जो होती है ये अलो करती है ट्रेडिंग ऑफ द फंडिंग इंस्ट्रूमेंट। फंडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए दोस्तों? शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ETF हो गए दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो किसकी कस्टडी में होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। दोस्तों IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा सी RBI। दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के वो RBI के पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि
जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी पैसा होता है, ठीक है, चाहे वो उसको डॉलर्स में रखते हैं, उसमें उसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं उनमें रखा जाता है दोस्तों, उसको गोल्ड में रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हर कंट्री का एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, ठीक है, जो उस कंट्री की पावर को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे भी दोस्तों। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि ये कौन सा इसमें सोर्स नहीं है टैक्स रिवेन्यू का जो कि कलेक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ऑप्शन ए है हमारी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन बी है इनकम टैक्स, ऑप्शन सी है सर्विस ड्यूटी एंड द ऑप्शन डी है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए गवर्नमेंट जो है किस तरीके से नहीं टैक्स रिवेन्यू करती है, ठीक है, तो मतलब कि टैक्स रिवेन्यू को उस तरीके से नहीं लिया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिविडेंड्स एंड द प्रॉफिट, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सर्विस ड्यूटी, ये सारा हमारा टैक्स रिवेन्यू में ही जाता है, ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, WTO वॉज फॉर्मड इन विच ईयर, ठीक है, WTO किस साल में फॉर्म हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों WTO जो था वो हमारा फॉर्म हुआ था 1995, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जो है हमारे जो वर्ल्ड में कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड को स्टेबल रखने के लिए जो है वो इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ, दोस्तों ऑप्शन ए इम्परफेक्ट मार्केट, ऑप्शन बी मोनोपोली, ऑप्शन सी ओलिगोपोली, ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन। बोलने का मतलब ये है कि जो होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस का होता है एक जैसा सामान जैसा प्रोडक्ट जो होता है वो किसी का फीचर है दोस्तों, दोस्तों तो वो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन है। अगर दोस्तों सभी के प्रोडक्ट जो है सेम जैसे होंगे तो वो एक परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो, हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को जितना से जितना दोस्तों शेयर कर सकते हैं उतना करें। और दोस्तों आप जितने ज्यादा आओगे हमारा उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों, और अच्छा करने की इच्छा बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।